ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए शिव पुराण का एक ऐसा रहस्य लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा न तो इंटरनेट पर कहीं मिलती है और ना ही इस पर यूट्यूब पर कोई वीडियो बने हुए हैं। शिव पुराण में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथाएं आई हैं वह तो आपने प्राय सुनी ही होंगी, उस पर इंटरनेट पर भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। लेकिन शिव पुराण का एक ऐसा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं आज, जो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण का जो है 18 महापुराणों में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और कई लोग ये सोचते हैं कि जीवन में कभी भी समय मिला तो हम लोग जो है इस शिव पुराण का जो है बाजार से खरीद के ले आएंगे और उसका अध्ययन कर लेंगे। प्रायः कई लोगों के मन में ऐसी भावना होती है, लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसी भावना है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि जो समाज में जो शिव पुराण उपलब्ध है, जो बाजार में उपलब्ध है, उसे आप पढ़ भी लेंगे तो आपका अध्ययन संपूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिव पुराण का जो है संपूर्ण रूप बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। जी हाँ, देखिए, दो प्रकार के शिव पुराण मिलते हैं। एक शिव पुराण तो वह है जो गीता प्रेस से दो खंडों में प्रकाशित होती है, ठीक है, और एक शिव पुराण आप मेरे पीछे यहाँ ऊपर 5 खंडों में चौखंबा से प्रकाशित हुआ देख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों में अंतर क्या है? छोटा सा एक अंतर है। देखिए, अगर आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे, ये गीता प्रेस से जो शिव पुराण आती है उसका मैं स्निपेट दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, इसमें यह कहा गया है कि शिव पुराण में जो है 12 संहिताएँ हैं, ठीक है, शत्रुरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता आदि जो है 12 संहिताओं के नाम यहाँ पे कहे गए हैं। लेकिन जो गीता प्रेस से जो शिव पुराण प्रकाशित होती है उसमें 7 ही संहिताएँ मिलती हैं, क्योंकि बाकी 5 संहिताएँ जो है वह प्राप्त नहीं होती हैं, उनका ऐसा कहना था। तो गीता प्रेस से जो शिव पुराण प्रकाशित होती है उसमें 7 संहिताएँ हैं, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा बच के रहें। अगर आप इंटरनेट पे विकीपीडिया, हिंदी विकीपीडिया पर जाकर के सर्च मारते हैं तो वहाँ पे जो शिव पुराण के बारे में कहा गया है उसमें कहा गया है कि इसमें 6 ही संहिताएँ हैं, उसमें उमा संहिता का नाम ही नहीं आया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उमा संहिता भी गीता प्रेस के संस्करण में हमें प्राप्त होता है, जैसा कि आप प्रमाण देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये 7 संहिताएँ मिलती हैं गीता प्रेस वाले में, लेकिन बहुत शोध करके चौखंबा वालों ने जो है 2-3 संहिताएं और प्राप्त की। तो उन संहिताओं के नाम है ज्ञान संहिता, सनत कुमार संहिता और धर्म संहिता। तो ये 3 संहिताएं और जो है चौखंबा वालों को मिली, तो उन्होंने अपने जो पुराण उन्होंने प्रकाशित किया आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो 5 खंडों में है, उसमें ये 3 संहिताएँ अतिरिक्त मिलती हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि शुरू के 2 खंडों में इन 3 संहिताओं को डाल दिया गया है, यानी पहले खंड में ज्ञान संहिता और सनत कुमार संहिता डाल दी गई है, दूसरे खंड में जो है धर्म संहिता डाल दी गई है। ये जो है 3 एक्स्ट्रा संहिताएं जो है ये चौखंबा वाले के पहले 2 खंडों में मिलती है, और बाकी जो आगे की जो 3 खंड है उसमें तो वही शिव पुराण है जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। यहाँ नामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार एक ही संहिता जो है ना कई बार अनेक नामों से जाना जाता है, इसलिए आप किसको किस संहिता को कहाँ मिलती है सब नाम पर अगर बहुत ज़्यादा फोकस करने लेंगे तो विषय थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि 7 संहिताएँ गीता प्रेस में मिलती हैं और इस चौखंबा वाले में 10 संहिताएँ मिलती हैं। लेकिन शिव पुराण में जैसा कि आप कह रहे हैं देख रहे हैं कि स्वयं लिखा गया है कि इसमें 12 संहिताएँ हैं। अच्छा, यहाँ जो पुराण में जितने सारे संहिता के जितने सारे श्लोक बताए गए हैं वो भी अब नहीं मिलते हैं, उससे बहुत मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है कि कितना उसमें कहा गया है, लेकिन अभी जितने भी श्लोक मिलते हैं वो उससे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 अतिरिक्त संहिताएँ यहाँ पे मिलती हैं और 2 संहिताएँ तो समाज में प्राप्त ही नहीं होती है। तो शिव पुराण में और भी कई सारी संहिताओं के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता और विनायक संहिता, ये संहिताएं हमें नहीं मिलती है। हमें यह भी नहीं पता कि क्या इसमें से जो ये जो कोई संहिता है, जैसे कि मैंने कहा मातृ संहिता या सहस्र कोटि रुद्र संहिता, क्या वही संहिता का एक दूसरा नाम है ज्ञान संहिता, यह भी हम नहीं जानते हैं किसका क्या नाम है, क्योंकि कई बार उसी संहिता को कई लोग अलग अलग नाम से बुला देते हैं। तो जो भी हो, कम से कम 2 संहिताएँ तो ऐसी ज़रूर हैं जो कि हमें अब प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप शिव पुराण खरीद करके भी ले आते हैं तो आपका अध्ययन जो है पूर्ण नहीं होगा, लेकिन चले जितना मिलता है उसका भी अध्ययन करने का बहुत महत्व कहा गया है और उससे भी जो है बहुत आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। तो अब क्या किया जाए?
अब अगर आपने पहले ही शिव पुराण खरीद लिया है गीता प्रेस से, तो अब क्या किया जाए? अब सिर्फ आप दो खंडों के लिए और केवल तीन संहिताओं के लिए फिर से तो आप शिव पुराण नहीं खरीदने जाएंगे चौखंबा का, और हम सारे संहिताओं की कथा आपको बताने लगे तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने ये विचार किया है कि यह जो तीन संहिताएँ जो गीता प्रेस वाले पोथी में नहीं मिलती हैं उसकी कथाएँ हम आपको सार संक्षेप में बता दें, ताकि आपका जो है अध्ययन भी संपूर्ण हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि पहले खंड में ज्ञान संहिता और सनत कुमार संहिता है, तो ज्ञान संहिता में कई सारी कथाएँ आई हैं, जैसे भूस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आई हुई है और शिव जी के विवाह की कथा इसमें बहुत ही विस्तार से आई हुई है। इसके अलावा ज्ञान संहिता में भगवान विष्णु ने हजार नाम से शिव की स्तुति की है, वह सहस्र नाम स्तोत्र भी बहुत पठनीय है, वह भी वहाँ पे आया हुआ है। तो यह ज्ञान संहिता का विषय है। अच्छा, इस ज्ञान संहिता में प्रहलाद आदि का चरित्र भी आया हुआ है, हिरण्यकश्यप की भी कथा आई हुई है, और साथ ही में यहाँ पे वो अर्जुन और जो भील का जो लड़ाई होती है उसके बारे में भी छोटी सी कथा आई हुई है। तो यह ज्ञान संहिता का विषय है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा जो है सनत कुमार संहिता है, सनत कुमार संहिता में कोई कथाएं बहुत ज़्यादा विशेष रूप से नहीं आई है, नंदी की तपस्या आदि की कथाएं आई हैं और छोटी मोटी और कुछ कथाएं आई होंगी। मुख्य रूप से इसमें जो है शिव जी की पूजा कैसे की जाए, शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए, इसमें दार्शनिक विषय थोड़े ज़्यादा आए हुए हैं कि उसके पीछे का क्या आध्यात्मिक महत्व है, कैसे शिव जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि वो सर्वदेवमय है। तो ये सब विषय जो है सनत कुमार संहिता का विषय है। तो यह जो है दो संहिताएँ ये चौखंबा से प्रकाशित शिव पुराण के पहले खंड में आई है। अच्छा, दूसरे खंड में चौखंबा से प्रकाशित जो दूसरा खंड है उसमें एक धर्म संहिता आई हुई है, और धर्म संहिता का नाम जैसा कि मैंने कहा था कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि धर्म संहिता जो है इसका हिस्सा है। तो इस धर्म संहिता में अंधक दैत्य की कथा आई हुई है, रुरु दैत्य की कथा आई हुई है, इसके अलावा शुक्राचार्य कैसे शिव जी के पेट में चले जाते हैं उसकी भी कथा आई हुई है। इसके अलावा वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं शिव जी जो हैं काम विजेता हैं, तो इसलिए इसमें काम का बहुत प्रभाव का वर्णन किया गया है कि कैसे काम के वश में अन्य बहुत सारे देवी देवता आ जाते हैं, यहाँ तक कि विष्णु भगवान राम जी भी जो है काम के वश में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें श्राप रहता है, तो वो अपने सीता के वियोग में बहुत ही कामवश हो जाते हैं। तो ये सब कथाएँ यहाँ पर आई हुई है, लेकिन विशेष रूप से इसमें यह वर्णन आया है कि शिवलिंग की उपासना कैसे की जाए, शिव की महिमा क्या है, इन सब विषयों में जो है ज़्यादा अधिक विस्तार से धर्म संहिता में वर्णन आया है। इसमें सूर्यवंश आदि का भी वर्णन है, राम जी के चरित्र भी थोड़े बहुत आए हुए हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से हमने आपको जो तीन अतिरिक्त संहिताएं ये चौखंबा वाले प्रकाशन में मिलती हैं उसकी कथाएं हमने आपको बताई है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जो लोग शिव के भक्त हैं उनके साथ यह वीडियो भी अवश्य साझा करें, और शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।